आज का जो मौजू है वो गुज़श्ता से व्यवस्था है। पिछले जुमे ये बताया गया था कि अल्लाह का जो मेहमान है वो कौन है। पिछले जुमे बताया गया था कि जो अल्लाह का मेहमान है उसकी फजीलत और अजमत क्या है, और इंशाल्लाह आज के इस जुमे के अंदर बताया जाएगा कि उस मेहमान की, वो मेहमान जो रब का मेहमान है। एक मेहमान वो होता है जो हमारे घरों में आता है, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ मैं करता हूं, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ कारी सिद्दीक साहब करते हैं, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ इलाके का कोई चौधरी या सरदार करता है, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ कोई एमपी या एमएनए करता है, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर करता है, एक मेहमान वो होता है जिसकी तारीफ कोई खतीब करता है, कोई इमाम करता है, कोई मुक्तदी करता है, कोई मुहद्दिस करता है, कोई मुफस्सर करता है, कोई मुजद्दद करता है, कोई फकीह करता है, कोई फसीह करता है, कोई अदीब करता है, कोई शायर करता है। लेकिन आज जिस मेहमान की मेहमान नवाजी का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी तारीफ किसने की है, उसकी तारीफ उस पैगंबर मुस्तफा ने की है, उस वाली फतहा ने की है, उस शमसु सुहा ने की है, उस बदरुद्दुजा ने की है, उस आमिना के लाल ने की है, उस फातिमा तु सहरा रजी अल्लाह तआला के बाबा ने की है, उस हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाना ने की है। कायनात के इमाम कौनैन के ताजदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कुछ मेहमानों की तारीफें हम करते हैं, कुछ मेहमानों की तारीफें बड़े करते हैं, लेकिन आज जिस मेहमान की मेहमान नवाजी का तरीका मैं बताने जा रहा हूं, उस मेहमान की तारीफ पैगंबर मुस्तफा ने की है। कायनात के इमाम ने फरमाया, इज़ा दखल रमजान फुतिहत अबवाब अस्समाई व गुल्लिकत अबवाब जहन्नम व सुलसिलत अश्शयातीन। जब वो मेहमान आता है तो अर्श वाला खुदा जन्नत के दरवाजों को खोल दिया करता है, जब वो मेहमान आता है तो अर्श वाला खुदा अपने रहमत के दरवाजों को खोल देता है, जब वो मेहमान आता है तो अर्श वाला खुदा जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, जब वो मेहमान आता है तो अर्श वाला खुदा शयातीन को जकड़ देता है। आज उस मेहमान की मेहमान नवाजी का तरीका बताने जा रहा है। इस मेहमान की फजीलत क्या है, अजमत क्या है, मनकबत क्या है, शान क्या है, रिफत क्या है, वो मैं बता चुका हूं।